चैनल गुजराती किचन्स को और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे भरवा भिंडी की सब्जी की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी। तो भिंडी लिए है मैंने 200 ग्राम छोटे छोटे वाले भिंडी लिए है और उसको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अभी हम उसको कट कर लेंगे। अगर आपके पास छोटे भिंडी नहीं है तो आप बड़े भिंडी को ऐसे बीच में से कट करके, जैसे मैंने वीडियो में बताया है वैसे बीच में से आप उसको कट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बीच में से कट करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि भिंडी ख़राब है कि नहीं। उसी तरीके से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से भिंडी को कट किया है, सारी भिंडी को ऐसे ही मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम उसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा ऐसे ही कढ़ाई में सेक लिया है, तेल कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही हल्का सा सेक लिया था। उसके अंदर ऐड किया मैंने 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है वो ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच चीनी ऐड किया मैंने, उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच तेल डाला। उसको मैं अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए सभी सामग्री। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम ये मसालों को भिंडी के अंदर भर लेंगे। मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा भर रही हूँ, अगर आपको कम मसाला पसंद है तो आप कम भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मसालों को भिंडी के अंदर ऐड करना है। इस तरीके से हमने सारी भिंडी को ऐसे ही भर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी भिंडी को ऐसे ही फिल कर लिया है। तो अभी मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रखा था, उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल डाला। तेल गरम हो जाए तब मैं ऐड करूंगी अजवाइन 1/2 चम्मच, उसके साथ ही मैं ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून जितना हींग। अभी हम ऐड करेंगे भिंडी और गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और उसको हल्के हाथों से ऐसे ही उसको मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम स्लो ही रहे। तो अभी हम उसको ढक देंगे, 2 से 3 मिनट तक हम उसको ऐसे ही होने देंगे ढक के ही। 2 से 3 मिनट हो गया है तो अभी हम भिंडी को चेक करेंगे। हल्के हल्के हाथों से ही हमें उसको हिला देना है। मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा भरा था तो थोड़ा बाहर निकल गया है, बस ऐसे ही उसको हल्के हाथों से होने दीजिए। अभी हम उसको फिर से एक बार ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक उसको ऐसे ही स्लो फ्लेम में पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है तो अभी हम एक और बार अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। अभी हम उसको खुला ही होने देंगे 2 से 3 मिनट तक, ढकना नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि भिंडी की सब्जी है हमारी अच्छे से ड्राई हो गई है, एकदम अच्छे से पक गई है। एक बार ऐसे ही करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये मेरी सब्जी बनके तैयार है। तो अभी हम उसको सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।